हमने एक फ्रेश स्टार्ट किया था ना। ठीक है चलो आगे देखते हैं। ओपन करेंगे यहाँ से डब्ल्यू पी एडमिन और यहाँ से यूज़र नेम यहाँ से इसका पासवर्ड। रिकॉर्डिंग ऑन है ओपन करेंगे यहाँ से विजिट साइट। तभी आप देख रहे हैं पर हमारा होम पेज डिफॉल्ट लोड नहीं हो रहा है तो उसके लिए हमने कहाँ जाना है अपीयरेंस कस्टमाइज और यहाँ से जाके हम लोग होम पेज सेटिंग से चेंज कर सकते हैं उसको। एक तो यहाँ से पॉसिबल है, एक और भी तरीका होता है कि आप यहाँ से मीडिया लिंक्स टूल्स एक और जगह इसका ऑप्शन आता है परमा लिंक्स चलो इसमें ढूंढ के आऊँगा लेकिन एक जगह से और भी हम लोग उसको कर सकते हैं। तो होम पेज सेटिंग्स और यहाँ से स्टैटिक पेज और यहाँ से हम लोगों ने जो अपना होम पेज बनाया वो सेट करेंगे इसके अंदर और यहाँ से पब्लिश। अभी जब हम लोग यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो हमारा लैंडिंग पेज डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है ये पार्ट कंप्लीट हुआ, इसको करेंगे क्लोज। अब बात करते हैं जैसे मान लो कि हमें अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ ड्रॉप डाउन्स बनाने हैं, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग यहाँ देखें ली वास्तु और इसमें आप देखें आप एक ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से, ऐसा कुछ ड्रॉप डाउन हमें बनाना है। तो जैसे चैप्टर इसको अभी के लिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कोर्सेज है हमारा, ठीक है, तो उसके अंदर हमें कुछ अपने ड्रॉप डाउन क्रिएट करने हैं। तो आपने कहा ना अपीयरेंस और यहाँ से हमें क्या मिलेगा मेन्यूज़। अभी हम लोग यहाँ पर कुछ कस्टम लिंक बना लेते हैं और यहाँ पर हम लोगों ने जाकर डिफाइन कर देना है इसको। यहाँ जाइए लिख दीजिए जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग और हमने क्या चूज़ किया यहाँ से ऐड टू मेन्यू। फिर हमने यहाँ से जाकर डिफाइन किया मैं पेज नहीं बना रहा हूँ डायरेक्ट लिंक बना के आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए ड्रॉपडाउन बनता कैसे है। ठीक है जी डब्ल्यू डी डी जी डब्ल्यू डी डी प्लस
इस तरह से हमने कुछ यहाँ पर डिफाइन किया। तो जैसे GWDD क्या होता है, हमारा एक हमारा मेन कोर्स की कैटेगरी है जिसके अंदर GWD एंड WDD कंटेन होते हैं हमारे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, GWDD जहाँ मेंशन है पहले तो हमें इसको चैप्टर्स में डालना है। तो आप इसको ड्रैग करेंगे यहाँ से और यहाँ पर इसके आगे ला के रखेंगे इस तरह से। अब GWDD के पार्ट क्या हैं, ये और ये वाले, ठीक है। और एक आपका और आता है इसमें GWDD प्लस, प्लस जो है वो हमारा इसका पार्ट नहीं है, वो अलग कैटेगरी हो गया। बाकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग हम चाहते हैं हमारा अलग से हो, और एक वेब डिज़ाइनिंग का हम लोग अलग से रखना चाह रहे हैं। अभी अगर आप इसको यहाँ से सेव मेन्यू करेंगे और अगर हम लोग अपने पेज के यहाँ रीलोड करते हैं इस तरह से, तो आप देख सकते हैं चैप्टर के अंदर हमारे ऑप्शंस क्रिएट हो गए। तो इस तरह से यहाँ पर आपके ड्रॉप डाउन मेन्यू बन के तैयार हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो अभी क्या करा मैंने, ये जितने भी पेजेस हैं ये सब क्या करा मैंने, पेज ना बना के डायरेक्ट लिंक बना के आपको दिखाया। लेकिन जब आप पेज बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। जैसे प्राइसिंग वगैरह सब लोगों ने लास्ट क्लास में पेज बनाए थे ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे इस लिस्ट में आ गए थे ना। तो फिर आपने क्या करना है, उनको उस पकड़ के ड्रैग करके डाल देना है जिसके अंदर भी डालना है आपने, ठीक है। जिसको भी आप बाहर निकालना चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ ये बाहर निकल जाए, तो आपने ड्रैग करके आगे रख देना है इसको, पहले से बाहर निकालो फिर ये अपना बाहर आ जाएगा। देखो वापस इसके अंदर डालना है, ड्रैग करके अंदर डाल दो। तो जो पेज होते हैं बने उस पर आपको थीम का नेम दिखाई देगा, जो पेज आपके नहीं होंगे आपने कस्टम बनाए होंगे तो उस पर क्या लिखाएगा, कस्टम लिंक। अब जैसे हम चाहते हैं कि हमारे पेज में जो भी लिंक यहाँ पर अवेलेबल है उसका टाइटल भी होना चाहिए। टाइटल जो होता है SEO के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे होम पेज है तो उस पर आपके ब्रांड का नेम होना चाहिए टाइटल में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो टाइटल का तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम लोग कोडिंग करते हैं कस्टम, तो उसमें क्या होता है, ए टैग के अंदर टाइटल एट्रीब्यूट हम लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऊपर इस ड्रॉप डाउन दिखाई देगा, यहाँ आपने क्लिक करना है स्क्रीन ऑप्शन, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, टाइटल एट्रीब्यूट। जैसे आप टाइटल एट्रीब्यूट ऑन करेंगे टाइटल आ गया यहाँ पर। तो जहाँ भी आपको जिस भी लिंक में टाइटल अपना लिखना है, खुद का अपना टाइटल डाल सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट ये ना डिसेबल रहता है यहाँ से, तो जैसे मैं बंद करूँगा देखना यहाँ से रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिक, चला गया ना। तो ये हमें SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए होता है। दूसरा क्या होता है, लिंक टारगेट। लिंक टारगेट का काम क्या होता है कि भाई सेम विंडो में ओपन करना है या अलग विंडो में ओपन करना है। जो हम लिखते हैं टारगेट इक्वल टू ब्लैंक, या हम लोग सेल्फ बाय डिफॉल्ट हमारा रहता है। तो इस तरह से ये पार्ट आप हैंडल कर सकते हो। तो देख लेना रिक्वायरमेंट हो तो डालना, इस तरह से अपना ये काम हो जाएगा। चलो तो बनाना है ड्रॉप डाउन कैसे बनेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप है, सिंपल। कोई ज़्यादा कलाकारी नहीं, कोई कोडिंग नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये पार्ट आई थिंक हमने नहीं डिस्कस किया था, तो आपको मैंने क्लियर कर दिया है ना। क्या कह रहे हैं, क्या इसके अंदर थ्री कॉलम ड्रॉप डाउन बनाना है, मतलब कि इसके नीचे तीन कॉलम खुले। तो उसके लिए DB का ना मेगा मेन्यू आता है, यहाँ से DB मेगा मेन्यू सर्च कर लेना, इसका एक प्लगइन दिया हुआ है। ऐसा चाहिए ना तुम्हें, तो ये ना मेगा मेन्यू का एक प्लगइन आपको डालना पड़ेगा इसके अंदर, जिसका नाम है क्रिएटिंग मेगा मेन्यू इन DB। तो अपीयरेंस में हमें यहाँ पर मेन्यू, मेन्यू के अंदर पहले अपनी कैटेगरी सारी बना लो जैसे हमने बनाई है, ठीक है। यहाँ पे CSS क्लासेस, और क्लास में जाके क्या लिख देना है, मेगा मेन्यू, आपका काम हो जाएगा। ये लिंक देख लेना, चला लेना इसको। इसमें ऐसा कुछ नहीं जो ना हो सके, सब हो सकता है, बस तो मैंने ढूंढना है सब काम पॉसिबल है। इसके इतने प्लगइन्स हैं ना कि मतलब अगर मैं आपको शाइन नेट पर जाके दिखाऊं
क्लिक हेयर, ओनली सर्च टर्म डालना डीवी, इसके जितने प्लगइन्स आते हैं सारे पेड होते हैं, बट आपको यहाँ से सब फ्री मिल जाएंगे। तो जैसे डीवी बूस्टर, ये एक प्लगइन है जिसके अंदर दुनिया जहान के फीचर्स हैं। फिर क्या है डीवी प्लस, ठीक है, तो इसके अंदर आप देख रहे हो ऑलरेडी इसके अंदर 50 प्लस वेबसाइट्स हैं, प्री बिल्ट वेबसाइट्स हैं, स्टार्टर टेम्पलेट है, 250 प्लस सेक्शंस हैं। सेक्शंस लाइक जैसे कि आपने कहीं पर लगाना है साइन इन साइन अप का, कहीं पर आपने लगाना है कि सब्सक्राइब का, कहीं पर आपने मैप लगाना है, तो वो चीज़ें ऑलरेडी बनी बनाई हैं। 50 प्लस मॉड्यूल इसके अंदर बने हुए हैं। फिर आता है डीवी का घोस्टर, ठीक है, डीवी का बिल्डर, ठीक है, ये थीम हो गया, डीवी का सुप्रीम प्रो जिसके अंदर और बहुत सारे प्लगइन्स फिर आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो डीवी, मैंने आपको जो थीम बताया, ये एक ऐसा है कि अपने आप में ही सब कुछ है इसके अंदर, जो चाहिए ढूंढो सब मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया। अभी हम लोग इधर आते हैं, जनरल सेटिंग, यहाँ पर साइट आइडेंटिटी। तो आप देख रहे हो हमने यहाँ पर साइट का टाइटल क्या लिखा था, अरीना एनिमेशन। तो जब हम लोग पेज को देख रहे हैं तो ओनली अरीना एनिमेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर कोई हमारी टैगलाइन अगर है तो वो यहाँ पर लिखी हुई आए। तो हमने लिखा लर्न फ्रॉम द लीडर, ठीक है, पब्लिश करेंगे यहाँ से, पेज को यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देखो आपको पूरा लिखा आ रहा है, इस तरह से लिख सकते हो। तो जिसके पास टाइटल नहीं है तो वो जो भी पेज बना रहा है अपना, उसके बाद में उस ब्रांड का नेम लिखा हुआ आना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, उस वेबसाइट का नेम, और यहाँ पर आपने क्या लिखना है साइट टाइटल में, जो भी आपका वेबसाइट का टाइटल है, ठीक है। बट जब लोग किसी डिफरेंट पेज पर होंगे, लाइक हमने क्लिक किया अबाउट, तो आप देखो अबाउट और आगे क्या लिखा रहा है, साइट का टाइटल, ठीक है। यार मच्छर हो गए बहुत ज़्यादा, रिकॉर्डिंग चल रही है अपनी, हाँ। फिर यहाँ पर क्या दिया, साइट आइकन। आइकन के अंदर हम चाहते हैं कि जब हमारा यहाँ पर ऊपर आप देखते हो एक फेव आइकन होता है, तो जब आप कोई गूगल चलाते हो या ड्राइव चलाते हो उसी का आइकन दिखाई देता है हमें टॉप में, हमारे में जैम्प का आइकन आ रहा है, हमें इसे बदलना है। तो आप बदलने के लिए क्या करेंगे, जो भी आपकी अपनी वेबसाइट का लोगो है, हमने लोगो लास्ट क्लास में डाउनलोड किया था कहीं पर, कितने मिलेगा, चलो कोई नहीं दोबारा डाउनलोड कर लेते हो। यहाँ जाओ और यहाँ से ये लोगो दिखाई दे रहा है, राइट क्लिक करेंगे, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये आ गया, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। ऑलरेडी शायद ये अवेलेबल है कहीं पर, कहाँ पर आया सिलेक्शन, कोई नहीं, फोटोशॉप ओपन करो अपना मिल जाएगा। यहाँ से चूज करेंगे ओपन डेस्कटॉप, यहाँ पर लिखेंगे स्टार डॉट जेपीजी, आ गया लोगो, तो ये अपने पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भाई जो आप लोगो यहाँ अपलोड करेंगे उसका साइज कितना होना चाहिए, 512 बाय 512। तो आपने एक न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्रिएट करना है और उसको आपने डायमेंशन देना 512। और अपने इस लोगो को आपने इसके अंदर लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। लोगो को आप बड़ा करना चाहते हो तो यहाँ पर आप अपस्केल वगैरह करो, तो अपस्केल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले से ही बड़ा करके लेके आएंगे। तो इमेज मेन्यू में आपने जाना है, यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा इमेज साइज, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो विड्थ है वो है 271। तो यहाँ से आपने जब लार्ज करना है तो लार्ज करते वक्त आपने चूज़ करना है प्रिजर्व डिटेल एनलार्जमेंट, ठीक है, और यहाँ से हम इसको ले लेते हैं जैसे कि 371। इससे क्या होगा ना, इसकी क्वालिटी ज़्यादा ख़राब नहीं होगी, क्योंकि आपकी ऑलरेडी वेब पर जब कोई इमेज जाती है ना तो उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है। तो ये हमारा एक आइडेंटिटी होगी इसकी।
इसको आपने जेपीजी में सेव कर लेना है, डेस्कटॉप, अरीना साइट, और ये हमारा हो गया साइट आइडेंटिटी। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको अपलोड, अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल, डेस्कटॉप पर रहिएगा, चूज़ करेंगे अरीना, और यहाँ से साइट आइडेंटिटी फाइल को हमने अपलोड कर देना है। अल्टरनेट टेक्स्ट में आप क्या लिख देंगे, अरीना एनिमेशन, और टाइटल में भी अरीना एनिमेशन। इसको हमने ऐसे करना है सेलेक्ट, अगेन जाइए, सजेस्टेड इमेज डायमेंशन 512x512 भाई सही तो है, क्या गलत है इसमें, इसको ले रहा है। हमने क्या बनाया था उसका, जेपीजी बनाया था ना, इसका फाइल टाइप क्या है, जेपीजी। बन तो नहीं गया हमने, यहाँ पर इसको मॉडिफाई कर लो एक बार, यहाँ हूँ, इसको डिलीट कर दो, अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल, दिक्कत ही है कुछ, एक न्यू फाइल बनाओ, अगेन जेपीजी, क्लिक ऑन सेव, साइट आइडेंटिटी को ओवरराइड कर रहे हैं, ठीक है, रिमूव, रिफ्रेश, चलिए यहां से सेलेक्ट, यहां पर लिखेंगे अरीना एनिमेशन, क्लिक ऑन सेलेक्ट, अगर आप इसमें लगता है कि कुछ क्रॉप करना चाहो तो क्रॉप कर सकते हो, तो अभी आप देख रहे हो यूआरएल के ऊपर हमारा, क्लिक ऑन क्रॉप इमेज, देयर हैज बीन एन एरर क्रॉपिंग योर इमेज, क्या पंगा कर रहा है, विनय 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 विनय,
दीपू का एग्ज़ाम चल लेंगे गाँव। अच्छा मैं बता रहा था शादी में। निशा मैडम जो स्केचिंग वाली हैं वो नहीं आ रही, वो सॉरी जो एनिमेट सिखाती हैं वो। तुम्हारे बैच का टाइम क्या होता है? उनको बोल रहा काम कराए लेकिन पहले क्लास करा दे। तो तुम्हें क्या कह रहे कार्टूनिस्ट बना रहे तुम्हें? तुम्हें कार्टूनिस्ट बना रहे? तो मतलब बेसिकली पूरा बैच ना वो 2D एनिमेशन को लेके चल रहा है ना। कोई चलो
तो हमने देखो यहाँ से अपना इमेज अपलोड किया है, तो हमने डायमेंशन क्या किया अपना, जैसे 512 हमने लिटिल बिट बिलो कर दिया उसको 500 500 करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से इसको इसमें जाके सेलेक्ट साइट आइकन अपलोड किया पहले फाइल। अपलोड करने के बाद यहाँ से जाके आपने अपना नेम वगैरह इसको प्रोवाइड करना है और टाइटल नेम हम लोग चेंज करेंगे। नेक्स्ट यहाँ से करेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट के बाद आपके पास दोनों ऑप्शन आने चाहिए, स्किप क्रॉपिंग या क्रॉप इमेज। क्रॉप इमेज मतलब छोटा करना चाह रहे हैं, स्किप क्रॉपिंग मतलब जो डिफ़ॉल्ट हम लोग उसी के साथ जाना चाह रहे हैं। हमने चूज़ किया से स्किप क्रॉपिंग, तो आप देखोगे आपका यहाँ पर एड्रेस बार के ऊपर दिखाई दे रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ से पब्लिश कर दें तो हमारा जो जैम्प का आइकन है ये रिप्लेस हो जाना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ऑलरेडी टैब में चेंज हो गया। यहाँ से क्लिक करेंगे पब्लिश और यहाँ पर हम लोग पेज को करेंगे रिफ्रेश, तो देखो जैम्प का आइकन रिप्लेस होगा। और इसको ना कंट्रोल F5 करिएगा, आपका चेंज हो जाएगा पब्लिश्ड। चेंज हो गया, ठीक है। तो डिफॉल्ट पेज पर आके देखते हैं, यानी कि हमारा जो लैंडिंग पेज है, और यहाँ पर इसको कंट्रोल F5 करेंगे अगर हमारा ये आइकन रिप्लेस नहीं होता है तो। चेंज हो गया, तो इस तरह से अपना आइकन चेंज कर सकते हो। तो हमने जब यहाँ पर इसको प्लेस किया तो ध्यान रखना कि इमेज को आप बड़ा रखना, बट मैंने आपको जैसे भी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दिखा दिया है। अब इसका फ़ायदा क्या है, जैसे मान लो कल को अगर हम लोग अपना URL किसी के साथ शेयर करते हैं, तो जैसे एक वेबसाइट होती है अपनी आज तक, इस पर आते हैं, तो मान लो कि आपने इसका URL यहाँ से किया कॉपी और आप इस URL को कॉपी करके किसी को व्हाट्सएप कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे करके दिखाते हैं आपको, ये हमारा व्हाट्सएप है, यहाँ पर प्लेस करेंगे और थोड़ा सा वेट करना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका URL का ना फोटोग्राफ जो होगा साइट का आइडेंटिटी वो आपको यहाँ पर रिवील होगा। नेट थोड़ा स्लो है, अभी ये खुद ही लोड हो रहा है, पहले होने दो उसको, हो गया। चलिए कॉपी, अपने बैच टाइम में आते हैं 10:30 to 12। तो यहाँ देख रहे हो कुछ ये प्रोसेसिंग हुआ और हमारा लोगो आ गया इसके अंदर व्हाट्सएप में। तो डेस्कटॉप वाले व्हाट्सएप में ना समटाइम्स दिखाता है समटाइम्स नहीं दिखाता, बट मोबाइल पर तो आपका फॉर श्योर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये जो आपका साइज आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वही है। तो मतलब किसी को जब आप URL भेजते हो साथ में कुछ उसका अगर फोटोग्राफ अगर साइट का आ जाता है तो उससे बढ़िया चीज़ कुछ नहीं है। अब ये ना इन्होंने कई जगह पर यूज़ किया हुआ है, ये तो हो गया साइट आइडेंटिटी। अब जैसे लेट्स से एग्जांपल के लिए हमने यहाँ से कोई न्यूज़ चूज़ किया है, अब इस न्यूज़ में जो फोटोग्राफ होगी ना वो भी ऑटोमेटिक आएगी। चेक करो व्हाट्सएप पे अपने, दिखाई दे रहा है कुछ, तो ऑटोमेटिकली आपका जनरेट हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट कैसे होगा, तो इसके लिए ना हम लोग यूज करते हैं ओपन ग्राफ मेटा। ओपन ग्राफ मेटा आपको इंटीग्रेट करके दिखाएंगे किस तरह से बेसिकली काम करता है। तो जब आप कोई भी अपना पेज यहाँ से कॉपी करोगे, जैसे अगर हम लोग अरिना एनिमेशन इंडिया का लेते हैं, देखते हैं इसमें इन्होंने लगाया हुआ है कि नहीं, वैसे तो मैं ऐसे ही चेक कर लूँगा। तो स्टाइल शीट इसमें लगा हुआ नहीं है। तो अगर हम लोग इस URL को कॉपी करके अगर भेजते हैं आपको, चेक करते हैं कुछ आता है कि नहीं, नहीं आ रहा।
तो ध्यान रखना उसी वेबसाइट पर ये नहीं आएगा जिस वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेशन इसका नहीं होगा, और ये होना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैंने व्हाट्सएप पे डाला है आपको, आपको देखो फोटोग्राफ वाला एरिया ना ब्लैंक आ रहा होगा इस तरह से, ये देखो ब्लैंक आ रहा है, साइट आइडेंटिटी क्या आ रहा है हमारा ब्लैंक, तो इसमें इंटीग्रेट नहीं है। तो यहाँ पर हमने कैसे पता लगाया, जब हम लोग कंट्रोल यू प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ना ओपन ग्राफ के नाम से कोई हमें टैग नहीं दिखाई दे रहा, बट जैसे अगर हम लोग इस वेबसाइट के ऊपर आते हैं और इसके अगर कोड में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कुछ ओजी टाइटल टाइप, ओजी स्टैंड फॉर ओपन ग्राफ, ये वही पार्ट है बेसिकली जो आपकी ये इमेज टाइटल वगैरह सारी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। सो एग्जांपल के लिए अगर मैंने ये लिंक कॉपी किया और अगर मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ इसको, तो इसके अंदर ये वाला पार्ट हमारा जनरेट होगा। बड़ा ही स्लो चल रहा है यार, आ गया डेस्कटॉप से। तो देखो आपको फोटोग्राफ दिख रहा होगा उसके अंदर, आ रहा है? तो ये काम बेसिकली इससे पॉसिबल होता है। हाँ कहाँ पर ये? हाँ नहीं, इसमें दिल्ली का ही आएगा बाई डिफॉल्ट, क्योंकि ये मेन सेंटर का नंबर यहाँ डाला हुआ है। बट अगर हम लोग चाहें जियो पोजीशन के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं, अगर यूज़र ने अलाउ लोकेशन किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, बट इन्होंने क्या करा है यहाँ पर ना ड्रॉप डाउन दे दिया इस तरह से, पीतमपुरा, प्रीत विहार, साउथ टैक्स, कमलानगर, नॉर्थ। अब नोएडा के लिए इन्होंने क्या करा है ना, नोएडा की वेबसाइट्स अलग कर दी, पहले इसी पे आ गया था डिटेल, बट अभी नोएडा को उससे अलग कर दिया, इसमें सिर्फ दिल्ली के सेंटर से हैं। तो दिल्ली के जितने भी सेंटर हैं ना सबका एक कॉमन नंबर है, ये IVR नंबर है, यहाँ पर जब आपका कोई कॉल करते हो तो फिर वहाँ से फिर डायरेक्ट रीडायरेक्ट किया जाता है कि कहाँ पर देना है कॉल। लेकिन इस वेबसाइट के अंदर आप कमी देख रहे हो, नेविगेशन के जो यहाँ पर लिंक्स हैं इतने पुअर हैं कि मतलब एक यूज़र को ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहे। इसका डेवलपर बताता हूँ कौन है नीचे, वैसे तो मैं इसके डेवलपर से बात कर चुका, बड़ा ही क्या ही बोलो, वो कहता है डेटा कैसे डालूँ इसके अंदर, मैंने कहा भाई कोडिंग तुम कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ। PHP है इसका एक वर्जन, हमने बनवाया था रिएक्ट के अंदर, लेकिन जब हमने रिएक्ट में बनवाया था उस बंदे से रिएक्ट में SEO नहीं हुआ उसका, तो फिर वापस उसने PHP वाला वर्जन दोबारा चालू कर दिया। नहीं तो ये रिएक्ट पे आ गई थी वेबसाइट, वो देखा था एक फायरवॉल जो घूम रहा था पहले, वो रिएक्ट वाला वर्जन था इसका। अब इस वाली वेबसाइट में अगर आप देखो तो इतने सारे एरर हैं कि मतलब ना तो इसमें कोई ढंग से इसका पेज का डिस्क्रिप्शन है, ना ही पेज का कोई टाइटल है इसके अंदर, सब गायब है ऐसी, बस शॉर्टकट में पूरी वेबसाइट पहल दी आगे। बट ये पता चल क्यों रही है, क्योंकि इसका ना गूगल ऐड चल रहा है, अगर इसका गूगल ऐड बंद हो गया तो किसी को दिखेगी भी नहीं कि वेबसाइट है इस नाम की हुई। नहीं आप कीवर्ड जब सर्च करते हो उस पर आता है, जैसे मैं यहाँ पर जाकर अगर लिख देता हूँ गूगल के अंदर एनिमेशन इंस्टीट्यूट, अगर इस कीवर्ड के ऊपर डाला होगा तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जैसे अरीना का यहाँ पर आ रहा है, इस वक्त इसने अपना ऐड चलाया हुआ अरीना एनिमेशन CP ने। हम यहाँ पर सर्च करते हैं ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स, तो इस वक्त फ्रेम बॉक्स, ये देखो अरीना एनिमेशन इंडिया आ गया, यानी कि ऐड चल रहा है हमारा, तो जब हम लोग उसको क्लिक करेंगे तो यही पेज खुलेगा। पैसे कट गए पैसे कट गए जैसे ही मैंने क्लिक किया इसको, अब ये हो सकता है कि इसकी जो वैल्यू हो, बताता हूँ कितनी वैल्यू होगी, क्योंकि सेकंड नंबर हाँ साइट ओनर के और क्या, हाँ अब कितने पैसे कटोगे ये भी बताता हूँ। देखो ऐड चला रखा है ना, ऐड पर जब भी कोई क्लिक करेगा ना तो PPC होता है, पे पर क्लिक, यानी कि जितने क्लिक होंगे उतने पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। हाँ तो जैसे मैं कीवर्ड प्लानर के अंदर आता हूँ अपने, और मैं यहाँ से आकर तो
आप अगर अपनी वेबसाइट पर ऐड चला रहे हो तो पैसे जितने क्लिक होंगे आपको मिलेंगे। तो गूगल के ने अगर एक सेटिंग किया होगा कि भाई मान लो कि एक क्लिक के 20 रुपये, तो हो सकता है कि 5 रुपये गूगल कमीशन अपना रख ले और 15 रुपये आपको दे दे। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर जाके एक कीवर्ड सर्च कर लेता हूँ, हमने क्या कीवर्ड बनाया था, ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स, और इसके ऊपर हमारी वेबसाइट हिट हुई थी। तो हम लोग यहाँ से गेट रिजल्ट पर क्लिक करेंगे, तो ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स के ऊपर मिनिमम जो है एक क्लिक पर 13 रुपये 90 पैसे और मैक्सिमम 54 रुपये कटे होंगे, ठीक है, एक क्लिक, और इतने पैसे कटा अकाउंट से कट गए, ठीक है। तो इसके ऊपर जो सर्चेज आ रही हैं 10,000 से लेके 1 लाख सर्चेज आ रही हैं पर मंथ, ठीक है, इस कीवर्ड के ऊपर। नहीं, ओनर को क्या मिलता है, ओनर को मिला ट्रैफिक की, एक विजिटर आया, उसने सर्च किया आपको, और अगर आपको उसको वो सही लगा इंस्टीट्यूट वगैरह, अगर उसने एडमिशन ले लिया या उसने वहाँ से कोई फॉर्म फिल कर दिया, तो क्या हुआ, वो कन्वर्जन काउंट हो गया, ठीक है, कि वहाँ से उस क्लिक के अगेंस्ट कुछ हुआ। लेकिन जैसे मैंने किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, खामा खा पैसे गए। तो ये होता है। तो यहाँ से जब हम लोग इसको क्लिक करें, तो क्लिक के बाद में हमें यहाँ पर कोई फॉर्म फिल करना चाहिए, जो कि अभी हम लोग यहाँ देख रहे थे ना। अगर मैंने यहाँ से एक फॉर्म फिल कर दिया, तो क्या हुआ, एक लीड जनरेट हुई, यानी कि इस लीड को जब हम लोग जनरेट कर रहे हैं, तो वो लीड किसी ना किसी इंस्टीट्यूट के पास जाएगी, यहाँ से नंबर ऑफ जो लिस्टेड है, उसके बाद अगर कॉल होता है, तो यानी कि गूगल ने अपना आरओआई दे दिया कि भाई आपने जो मेरे को एक कीवर्ड का पैसा पे किया है, मैंने उसके अगेंस्ट आपको एक लीड ला के दी है। अब वो लीड अगर आप नर्चर कर लेते हो, तो दैट इज़ अप टू यू कि वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, नहीं हुआ तो एक अलग चीज़ है। तो गूगल का तो कहते हैं ना, पाँचों उंगली घी में सर कढ़ाई में, तो उसके तो वाली, तुम्हारे को बिजनेस मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, मेरे को तो मिल गए पैसे। तो दो तरह के एडवर्टीजमेंट होते हैं, ये जो अभी हमने देखा ये होता है पीपीसी, अभी हम लोग जब सीखेंगे तो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। एक होता है जैसे कि इस तरह के ऐड आप देखते हो, जैसे आप किसी वेबसाइट पर आते हो तो आपके चारों तरफ ना ऐड लोड हो जाते हैं, जैसे अभी आप यहाँ देखोगे, थोड़ा वेट करोगे, ये देखो चारों तरफ ऐड आ गए, सारे के ऐड किसके आ रहे हैं, गूगल के। अभी गूगल वर्क स्पेस के ऐड क्यों आ रहे हैं, क्योंकि शायद मैं किसी बैच में गूगल वर्क स्पेस के बारे में पढ़ा रहा था, तो इसने माइक से सुना और मेरे लिए वैसे ऐड ला के दे दिए सारे, ठीक है। अब चाहे आप कुछ कर रहे हो ना कर रहे हो, अगर माइक कनेक्टेड है कंप्यूटर, तो ये सब सुन रहा है, फोन से भी ऐसे होता है, वो सुन रहा है आपके आपके जो मेन मेन कीवर्ड होते हैं, जो आपके मेन मेन कीवर्ड होते हैं सब सुने जाते हैं। भाई तो हम देखो बेसिकली क्या होता है ना, गूगल पर देखो क्या है ना, कि कोई ऐड नहीं चला रहा मर्डर को लेके, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, वो कॉम्बिनेशन जो है ना, जो आप बोल रहे हो, वो अपने हिस्ट्री में रिकॉर्ड करते जा रहा है। जैसे अगर आप देखोगे ना एलेक्सा का, अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लें, तो घर में एआई हमने जैसे एक लगाया हुआ है, तो वो बड़ा खतरनाक है, वो भी सब कुछ सुन रहा है, ठीक है। बस जहाँ आप उसके सामने बोलते हो एलेक्सा, और उसके आगे अगर आपने कुछ बोला, तो वो क्या होगा, वो आपका एक हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो जाएगा कि आपने क्या उससे काम कराया है। अगर आप नॉर्मली बिना एलेक्सा के बात करें, वो सब रिकॉर्ड कर रहा है गूगल, वो सॉरी अमेजोन, ठीक है, तो वो भी एक बड़ी खतरनाक चीज़ है एलेक्सा के नाम से ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं, वो आपके कैप्चर किए जाते हैं। अब जैसे मैं आपसे लगातार बात करता हूँ, इसमें कुछ नहीं सुना जाएगा, लेकिन इसमें जैसे सुना गया कॉम्बिनेशन, मैंने बोला तो ये कीवर्ड है, तो इसने रिकॉर्ड कर लिया उस चीज़ को। मैंने बोला कि चलो आज डोमिनोज चलते हैं, तो डोमिनोज रिकॉर्ड हो गया, अब डोमिनोज के शाम तक मेरे को ऐड आने चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। अभी जैसे मैंने एक डीएम का मेरा बैच चल रहा था, उसको उनमें मैं बोल रहा था कि आपको ना वो वीएमडब्ल्यू के ऐड नहीं आते, ठीक है, तो बच्चे कहते हैं कि हाँ सर नहीं आते, मैंने कि अब आएंगे, और वीएमडब्ल्यू के ऐड आने स्टार्ट हो गए। तो आप क्या चीज़ की डिमांड कर रहे हो, तो वो पीछे से उसको प्रोसेस करता है डेटा को, वो चीज़ लाके आपको दे देता है। तो गूगल का जो मैंने बोला ना 2 साल बाद का जो प्रोग्राम है, वो ये है कि मे बी शायद 2025 तक उनका वो कामयाब हो जाएगा, कि अगर आकिफ ने कोई ऐड देखा, ऐड देखने के बाद आकिफ ने कहाँ से जाके सामान खरीदा, तो वो अपने उस एडवर्टाइज़र को ये बता देगा गूगल कि आपका उस ऐड को देखने के बाद कुछ कन्वर्जन आया कि नहीं आया, तो गूगल उस माइक्रो लेवल तक पहुँच गया। हाँ। उसको हम लोग कहते हैं हाइपर लोकल, ठीक है। हाइपर लोकल में क्या होता है कि जैसे मान लो कि आप अरीना नहीं आए, लेकिन अरीना को आपने विजिट किया बाहर से,
तो आपके पास लिखा आ जाएगा यू चेक्ड इन अरिना, ठीक है, इस तरह से लिखा आएगा। तो जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं ना, जिन्होंने हाइपर लोकल पे अपना लिस्ट किया होता है, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इवन आज की डेट में एक देखते हो, एक वो आता है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा उसका, बहुत सा मैजिक पिन आपने देखा होगा बहुत जगह पर, वो चीज़ है वो। तो मैजिक पिन का कमाल होता है, तो जिस जिस शॉप ओनर ने मैजिक पिन लगाया होगा, ऑटोमेटिकली आप वो मेरे यहाँ आए ना आए, लेकिन मैं उसके फ़ोन में पहुँच गया, तो उसको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ कहाँ से निकला हूँ। तो गूगल का आप देखते हो कि एक टाइमलाइन आता है मंथ के एंड में, जब आप मैप चलाते हो गूगल का, तो गूगल मंथ के एंड में आपको एक रिपोर्ट भेजता है कि आपने कितने किलोमीटर का ट्रैवल किया और कहाँ कहाँ आप गए। तो जितनी जगह भी मैजिक पिन होगी ना लगी, आपका सब पता चल जाएगा। अब आप क्या ईमेल क्या एक्सेस किसी के पास है, उसे पूरी कुंडली पता होगी बेटा तुम कहाँ कहाँ थे। तो आईटी के दौर में, इस टेक्नोलॉजी के दौर में कुछ भी हिडन नहीं है। चलो, तो ये होते हैं हमारे क्या डिस्प्ले ऐड। तो डिस्प्ले ऐड में क्या होता है कि अगर मैंने इसको देखा तो इसमें कोई पैसा नहीं कट रहा। इस पे पैसा कब कटेगा कि जब गूगल का ऐड अगर कोई 1000 बार देख लेगा, जैसे मैंने एक बार देख लिया, ये एक काउंट हो गया इंप्रेशन, ऐसे 999 लोग और देखें, तब एक अमाउंट पे करना पड़ेगा। हाँ, तो अभी क्या है, ये एड्स फ्रॉम गूगल आ रहा है, तो गूगल का तो अपना खुद का ही है, तो उसे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन गूगल भी अपना एडवर्टीजमेंट करता है, सारे ब्रांड करते हैं, जो खुद एडवर्टीज़ करते हैं दूसरे ब्रांड को, वो अपना भी ऐड चलाते हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा, टीवी के ऊपर एक बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन होता है कि फेसबुक अपना ऐड लेकर आया, तुरंत लिंक्डइन का ऐड आ जाएगा उसी के साथ में, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई अगर एक बंदा ऐड चला रहा और मैं अगर नहीं दिखा उसके साथ में एज अ कॉम्पिटिटर, तो क्या होगा, मेरा मार्केट डाउन हो जाएगा। तो ये सारे लोग ना एक साथ ऐड चलाते हैं। कौन नहीं चलाता, ट्विटर नहीं चलाता, उसका अलग ही है सिस्टम। जनरली ट्विटर वगैरह के ऊपर क्या होता है ना, आपके सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते हैं, जैसे पॉलिटिशियन, एक्टर, एक्ट्रेस, मॉडल, ठीक है, इस तरह के लोग। तो ट्विटर को उसमें ज़रूरत नहीं है, और ट्विटर का ना बेसिकली पर्पज़ भी है स्मॉल ट्वीट। तो ट्विटर का एक सीधा सा फंडा है कि अगर आपको ट्विटर में बहुत एक्टिव रहना है, तो एक दिन में कम से कम 12 से 15 ट्वीट आपको करनी पड़ती हैं, और इतना कोई करता नहीं है। और जो आप ट्वीट्स देखते हो जनरली, वो आपके बड़े बड़े फिल्म स्टार्स वगैरह के आते हैं, ठीक है, आप कोई पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं, तो वही लोग ट्वीट डाल देते हैं। एक आम आदमी के लिए ट्विटर पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो ट्विटर का अपना अलग ही पूरा इकोसिस्टम है। तो जब हम लोग एडवर्टीजमेंट कोई चलाते हैं ना, जैसे हम कहते हैं हम लोग पेड ऐड चला देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कहीं भी चला दोगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टारगेट ऑडियंस है कहाँ, नहीं तो पैसा खराब कर दोगे। ट्विटर पर ऐड चलाए जा रहे हैं, लिंक्डइन पर ऐड चला रहे हैं, और बेहतर हम लोग कॉस्मेटिक, तो लिंक्डइन पर कौन कॉस्मेटिक खरीदेगा भाई। तो कॉस्मेटिक तो बिकेगी ना अल्टीमेटली इंस्टा पे या फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पर ऐड दिखाओ आप। तो डिजिटल मार्केटिंग में हमेशा कहता हूँ ना, डिजिटल मार्केटिंग में ना खाली पेड ऐड चलाना मार्केटिंग नहीं है, मार्केटिंग को समझना, क्योंकि अल्टीमेटली आप एक प्रोडक्ट ही बेच रहे हो, एक सेल्समैन ही हो आप। बस काम क्या है कि अब मैं डोर टू डोर नहीं जा रहा हूँ, मैं इंटरनेट की टेक्नोलॉजी के थ्रू बेच रहा हूँ। तो आपने इंटरनेट के थ्रू उस ऑडियंस को ढूंढ के निकालना है जो बेसिकली वो चीज़ ढूंढ रही है। और मार्केटिंग है क्या, यानी कि आप कोई सॉल्यूशन दे रहे हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर कि भाई पॉन्ड्स है, ठीक है, अब वो क्या है, कोल्ड क्रीम बनाती है, विंटर्स जैसे स्टार्ट होती है आप देखते हो ऐड आने चालू हो जाते हैं। तो यानी कि हम यूज़र को सॉल्यूशन दिखा रहे हैं कि भाई अगर ये ले लोगे तो विंटर बढ़िया निकलेंगे, स्मूथ जाएंगे तुम्हारी, ठीक है। तो बंदे को हमने क्या दिया, एक सॉल्यूशन दे दिया। तो मार्केटिंग से ध्यान रखना कि जब भी आप कोई ऐड दिखा रहे हो ना, तो कोई किसी बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो तभी वो प्रोडक्ट बिकेगा, अदरवाइज नहीं बिकेगा। पैसा लगता रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। चलो, ये पार्ट हमारा क्लियर हो गया, साइट आइडेंटिटी। नेक्स्ट, लेआउट सेटिंग हम लोगों ने सब डिस्कस कर लिया था अपना। इसमें हम लोगों ने देखा था बॉक्स लेआउट। बॉक्स लेआउट यानी कि हमारा लेफ्ट और राइट पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो सिंगल क्लिक में आपकी पूरी वेबसाइट जो होगी बॉक्स लेआउट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से वेबसाइट के कंटेंट विड्थ, तो जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं ये 1080 हमारी विड्थ है, इसको आप यहाँ से बड़ा कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो जैसे हम लोग देखते हैं ना, उसका बूटस्ट्रैप का हमारा कितना होता है, 1320 समथिंग में चलता है ना, तो आप यहाँ पर उस तरह से जाकर अपना चेंज करके आ सकते हो। वेबसाइट की गटर विड्थ यहाँ पर क्या है, 3 rem, ठीक है, 3 value यहाँ पर डला हुआ है, तो आप अपने गटर के बीच के स्पेस को घटा बढ़ा सकते हो। ये देख रहे हो ये गटर स्पेस इस तरह से। नेक्स्ट, यूज़ कस्टम साइड बार विड्थ, जो हम लोग साइड में बार देख रहे हैं अपना, जो हम लोग उस पर है किसी प्रोडक्ट वगैरह के पेज के ऊपर, तो उसकी विड्थ आप यहाँ से कस्टमली चेंज करोगे। रो की हाइट चेंज करना है, सेक्शन की हाइट चेंज करना है, तो इस तरह से यहाँ से चेंज होंगी आपके। टाइपोग्राफी पूरे
प्रोजेक्ट का फॉन्ट एक साथ चेंज करना है आपने, हेडर का फॉन्ट, बॉडी का फॉन्ट, लिंक के कलर, वो सारे हम यहाँ से वन गो में चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से होता है हमारा बैकग्राउंड कि वेबसाइट के अंदर बैकग्राउंड में कोई इमेज लगानी है या फिर हमें थ्रू आउट वेबसाइट में कोई बैकग्राउंड कलर कॉल करना है। बाकी तो प्रॉपर्टी सब डिस्कस हो ही गए थे, है ना। अब हमें जो इसमें काम स्टार्ट करना है अपना, वो रहेगा एलिमेंटर वाला। एक एलिमेंटर रहता है आपका, एलिमेंटर नहीं कराया ना अभी। तो एलिमेंटर प्लगइन क्या होता है कि मान लो कि किसी कंपनी के अंदर डीवी यूज़ नहीं हो रहा है और हमें काम करना है, तो आपने वहाँ पर एलिमेंटर का यूज़ करना है। तो एलिमेंटर प्लगइन हमें कहाँ से मिलेगा, आपको यहीं पर आना है और यहाँ से सर्च में जाके आप यहाँ से सर्च करेंगे एलिमेंटर। तो ये भी ना स्क्रैच से एक थीम बनाने के लिए बहुत बढ़िया टूल है एलिमेंटर, और आपने यहाँ से एंटर करना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अनलिमिटेड एलिमेंट फॉर एलिमेंटर्स फ्री डाउनलोड, ये आपका यहाँ पर वर्जन है, ठीक है। ये आपका एडॉन्स आते हैं इसके, यानी कि कुछ ऐसे प्लगइन्स जो आपके एलिमेंटर में नहीं है, तो आप और एडिशनल फीचर वहाँ से अनलॉक कर सकते हैं उसके अंदर। सो एलिमेंटर के बहुत सारे आपको इसके अंदर प्लगइन मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट। हम जाते हैं फर्स्ट वाले के साथ, ठीक है। इसको आपने क्लिक करना है, क्लोज करेंगे, देख सकते हैं 1 मार्च की बेसिकली अपडेट हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या मिल रहा है इसके अंदर आप देख सकते हो, 700+ यूनिक एडॉन्स विद इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज़, वन क्लिक इम्पोर्ट लेआउट फ्रॉम एलिमेंटर पेज बिल्डर, जैसे हम लोग डीवी के अंदर कर रहे हैं, इम्पोर्ट ओनली द एडॉन्स यू वॉन्ट टू यूज़, लाइफ टाइम अपडेट, 24/7 सपोर्ट ऑन हैंड टू असिस्ट यू, वेल डॉक्यूमेंटेड, सिंपल स्लाइडर्स, बैनर्स, प्राइजिंग टेबल, कंटेंट टैब, टेस्टिमोनियल्स, क्राउजल्स, कंटेंट बॉक्स, टीम मेम्बर्स, ठीक है। तो ये एलिमेंटर वाला पार्ट आप डीएम वाले लोग देख लो, ठीक है। बट इसके लिए ना तो आपके सीएसएस वगैरह की चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम लोग कर लेंगे डाउनलोड। तो नीचे आइए स्क्रॉल डाउन करके, एक आपको लिंक मिल जाएगा, इसमें दिखाई दे रहा है, कॉपी करेंगे लिंक और एक न्यू में जाके पेस्ट कर दो, एंटर करेंगे। जैसे हमने थीम डाउनलोड किया था वैसे ये घुमाएगा हमें ऊपर नीचे, वैसा करके डाउनलोड कर लेना। यहाँ से क्लिक किया हमने इसको, अभी हम लोग फर्स्ट स्टेप पर हैं। आफ्टर 10 सेकेंड हमारा क्या होगा, 28 सेकेंड हमारा ये वाला पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा। डन, क्लिक हियर टू कंटिन्यू। नीचे आइए, गेट लिंक, यहां से डाउनलोड। वहां मिलेगा लेकिन ट्रायल वर्जन मिलेगा, प्रो नहीं मिलेगा, ये प्रो मिल गया आपको। ये डाउनलोड हो चुका है अपना। तो आपने क्या करना है, इसको डायरेक्ट अपलोड नहीं करना है वहाँ पर, इसको एक्सट्रैक्ट करोगे। इसके अंदर दो निकलेंगे एलिमेंटर, एक नॉर्मल आएगा जो ट्रायल होता है, एक आएगा प्रो वाला। ठीक है, अब इसको आपने अपलोड कर लेना है। तो इसमें अच्छी चीज़ है कि हमारा एक बार में प्रो वाला निकल के आ रहा है, ट्राई करूँ। यहाँ आएंगे अपने वर्डप्रेस के अंदर,
क्लोज करेंगे, प्लगइन्स में आएंगे, इंस्टॉल्ड प्लगइन, यहाँ से ऐड न्यू, ऐड न्यू में आके अपलोड, चूज, डाउनलोड, ओपन करेंगे एंड इंस्टॉल। क्या लिखा रहा है? इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। ये आ गया अपना, देखो एलिमेंटर प्रीमियम, क्लिक ऑन एक्टिवेट। तो यहाँ पर एलिमेंटर के नाम से आपको कंट्रोल दिखाई देगा, आ गया अनलिमिटेड एलिमेंट्स। और अब ले आओ यहाँ से एलिमेंटर निकाल के बैक, क्लिक, दिखाई दे रहे हैं दो प्लगइन इसके अंदर, प्रो एंड नॉर्मल। इसी में कहीं लिंक छुपा होगा, ध्यान से देखना जरा। डाउनलोड फ्रॉम मेगा, अभी इस वाले को हम लोग डीएक्टिवेट रखते हैं, उसके बाद में ट्राई करेंगे। ये क्या दे दिया उसने? ये तो एलिमेंट्री की सारी वेबसाइट्स आ गई। गलत जगह क्लिक हो गया हमने ना, इस पर क्लिक कर दिया, वो ना टेम्पलेट्स हैं सारे। और ऊपर चेक करो कहीं और लिंक छुपाया हुआ है।
बैक करो इसका और मिलेगा हमें, अनलिमिटेड एलिमेंटर एलिमेंट्स प्लस एड ऑन एलिमेंटर कंटेंट एलिमेंटर प्रो यहाँ कीवर्ड डालो एलिमेंटर प्रो शायद मेरे पास पड़ा भी हो, एक मिनट देख लेते हैं। माय ड्राइव ये पड़ा मेरे पास 2022 का डाला हुआ है, एक हमने कब डाला था, अप्रैल का है। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। पंद्रह बीस से स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे मेरा एक स्टूडेंट था वहाँ का, उत्तराखंड से था, जो सबसे पहला वाले बैच का था, उसके प्लेसमेंट बड़ी अच्छी हो गई थी। क्योंकि बात ना पता क्या कि आप क्लास के बाद में डायरेक्ट जैसे जॉब के लिए जा रहे हो या फिर आपने कोई प्रोजेक्ट बना के उसको मान लो आपने प्रैक्टिस कर लिया। तो जैसे ये था इरफान था, इरफान और शहजाद, शहजाद की सीधे यहाँ से कोर्स करने के बाद में मौसम विभाग में जॉब लगी, ठीक है, और उसको स्टार्टिंग मिली 25,000 से। और इत्तेफाक की बात वो गया भी मेरे जूनियर के अंडर में वहाँ पर, क्योंकि यहाँ ज्वाइन करने से पहले मैं उसी में काम कर रहा था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। तो वहाँ पर जो मेरी टीम थी तो वहीं पर, तो मेरे पास रुतेश का कॉल आया कि सर ऐसे ऐसे एक शहजाद है वो कह रहा है आपसे पढ़ा हुआ है। मैं शहजाद मैंने कहा मेरे स्टूडेंट है, तो फिर उसका डायरेक्ट वहीं पर ही हो गया था। तो फिर उसके बाद में डीएम में वो गया, फिर ऑडियो वीडियो के अंदर मैंने 2-3 बच्चे और दिए थे वहाँ पर, एडिटिंग के लिए भी चाहिए था। ये आगे अपना एलिमेंटर, यहाँ से इसको करेंगे हम लोग एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें दो प्लगइन दिखाई देंगे इसके अंदर, ये वाला होगा हमारा ट्रायल और ये होगा हमारा इसको फुल वर्जन कन्वर्ट करने के लिए। लोकेशन कॉपी करेंगे और इसको हम लोग यहाँ पर जाके अपलोड करेंगे वन बाय वन। पहले ट्रायल डालना है, देन प्रो वाला डालना है। इंस्टॉल, वापस से प्लगइन इंस्टॉलर, एक्टिवेट नहीं करना है, ठीक है।
अब प्रो वाला डालो, इंस्टॉल। हाँ दोनों इंस्टॉल हो गए, बाद में इंस्टॉल्ड प्लगइन, यहाँ से दोनों को सेलेक्ट करोगे और एक साथ जाके क्या बोलोगे, एक्टिवेट। ठीक है, तुम्हारा पूरा एक्टिवेट हो गया इसके अंदर। तो यहाँ पर अगर आप देखो, अब एलिमेंटर देखो इधर आ गया हमारा इसके अंदर। तो ये कह रहा भाई इसका 3.6.4 क्योंकि मैंने पुराना डाला है, नया वाला मिल नहीं रहा था, तो आप इसको अपग्रेड कर सकते हो लेटेस्ट वाले के अंदर। ठीक है, तो ट्राई करके देखते हैं क्या ये मैं इसके साथ सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, ट्राई करो, बड़ा भी बाद में देखते हैं इसको। तो एलिमेंटर में आ जाओ, यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा टेम्पलेट, और ये एलिमेंटर के टोटल कंट्रोल। तो जैसे आपने कोई कस्टम फॉन्ट लगाने हैं, कस्टम आइकन लगाने हैं, कस्टम कोड लिखना है, रोल डिफाइन करना है कि भाई तीन चार अगर लोग हैं हमारी कंपनी के अंदर तो वो क्या क्या काम कर सकते हैं इसके अंदर, तो सारे कंट्रोल हमें इसके अंदर आ जाएंगे। और टेम्पलेट के अंदर जाके आपने यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा थीम बिल्डर, तो यहाँ से हम लोग थीम बिल्ड करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ थीम बिल्डर पर आप क्लिक करोगे, अब आपके सामने चॉइस है कि आपने हेडर बनाना है, फुटर बनाना है, सिंगल पोस्ट, सिंगल पेज, आर्काइव, सर्च रिजल्ट या कस्टम 404 पेज, क्या बनाना चाह रहे हो। तो जनरली एक वर्डप्रेस की थीम के अंदर यही सारी हमारी मेन फाइलें होती हैं। तो आपको लग रहा है कि भाई मेरे को अपना एक हेडर बनाना है, तो आप यहाँ से जाके क्लिक करोगे और यहाँ से आप अपना खुद का एक कस्टमाइज हेडर अपना क्रिएट कर सकते हो। जैसे थीम के अंदर जो मिल रहा है मुझे वैसा नहीं चाहिए, मेरे फोटोशॉप में कुछ डिफरेंट दिया हुआ है, तो आप वैसा अपना बना सकते हो। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा ब्लॉक, एक ऑप्शन आपको मिलेगा पेज, एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ से माई टेम्पलेट। तो ये क्या कह रहा हैव नॉट सेव्ड टेम्पलेट येट, अभी तक हमने कोई टेम्पलेट यहाँ पर सेव नहीं किया है। ब्लॉक वाला पार्ट अभी हमारा ब्लैंक है। तो यहाँ से आप कोई नया पेज बनाना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, उस हिसाब से आप अपना यहाँ पर जाके चूज़ करोगे। तो ये हमारा पेज आ चुका है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो अवेलेबल है हमारे पास ऑप्शन सेम वैसे ही जैसे आपको बूट डीबी बिल्डर दे रहा है ना कंट्रोल, वैसे आपको मिलेगा। तो जैसे कोई भी विजिट आप डालना चाहते हो लोगों, तो ड्रैग करके यहाँ डाल दो। ठीक है, तो क्या ऐड हो गया यहाँ पर, लोगो। बट लोगो मुझे पूरे विड्थ में नहीं डालना है, मुझे कॉलम को कस्टमाइज करना है। तो यहाँ पर कॉलम दिखाई दे रहा है, कॉलम के अंदर आपने कितने रो कॉलम बनाने हैं, तो यहाँ से आपको प्लस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऐड सेक्शन, और यहाँ से एडिट सेक्शन। एडिट सेक्शन में आप जाओगे तो यहाँ से कितने रो कॉलम वगैरह बनाना चाह रहे हो, तो सेम अंडू अंडू करने के लिए वही कंट्रोल सी कमांड, उसका आप यूज़ करोगे। तो यहाँ पर साइट का टाइटल, पेज टाइटल, नेव मेन्यू, सर्च, साइट मैप। तो ये साइट से रिलेटेड है, ये फेवरेट से रिलेटेड है, ये बेसिक ऑप्शन है, ये आपके सारे प्रो ऑप्शन देख रहे हो इसमें अनलॉक हो गए, जो नॉर्मली हमारे वर्डप्रेस में जनरल ऑप्शन में मिलते हैं जब हम लोग ट्रायल एक एलिमेंटर इंस्टॉल करते हैं। लेकिन ये जितने भी ऑप्शन आप देख रहे हो ये प्रो में खुल के आपके सामने आ रहे हैं। तो जैसे आपको क्राउजल बनाना हो किसी भी चीज़ का, या जैसे हम लोग किसी कार्ड के ऊपर गए वो फ्लिप हो जाए, तो सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, एनिमेटेड हेडलाइन जैसे आप लिखते देखते हो, टाइप होता रहता है, फिर इरेज होता है, फिर नया कुछ टाइप हो जाता है, सब कुछ दिया हुआ है इसके अंदर। तो दोनों ही चीज़ें आपको आना जरूरी है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको एलिमेंटर सिखाऊंगा कैसे एलिमेंटर से आपने काम लेना है। तो इसके अंदर ना आपको बहुत अमेजिंग सेक्शंस बने बनाए मिल जाएंगे। जैसे आप कोई टेस्टिमोनियल बनाना चाह रहे हो, तो टेस्टिमोनियल के 20 एग्जाम्पल पड़े हुए, जो अच्छा लगे उठाओ और उसको कस्टमाइज कर लो अपने अकॉर्डिंग। तो इसमें भी आपको चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप क्लिक करोगे कितने रो कॉलम, जैसे नैव बार के अंदर में एक लोगो के लिए रखना है, बाकी नैव के लिए रखना है, या फिर आपने लोगो का पार्ट छोटा रखना है, नैव का पार्ट बड़ा रखना है, तो आपके पास अलग अलग तरह से कंट्रोल इसमें रहने वाले हैं। सेम वही आ गया ना जैसे हम लोगों ने बिल्डर के अंदर देखा था अभी। तो यहाँ पर 3 कॉलम्स का अगर आपने बनाना है, ये हमारा नैव बार आ गया। अब इसमें क्या मॉड्यूल आप डालना चाह रहे हो, जैसे मुझे यहाँ पे क्या डालना है, लोगो। ठीक है, तो ये अपना लोगो आ गया इसके अंदर। इसी तरह से मुझे यहाँ पर बीच में कुछ और मैसेज डालना है, यहाँ पर मुझे कुछ और डालना है, तो अपना यहाँ पर जाके डिफाइन करके आ सकते हैं। तो लोगो डालना है, लोगो की इमेज यहाँ से हमें अपलोड नहीं करनी, हम लोग थीम बना रहे हैं। जब आप ये पेज बना दोगे, पब्लिश कर दोगे, तो जहाँ पर टेम्पलेट ये यूज़ करोगे वहाँ जाके अपने लोगो की इमेज डालनी है, यहाँ से ऐसे ही छोड़ना है इसको। तो बड़े अमेजिंग कंट्रोल है, समझेंगे इन चीज़ों को। तो मैं आपको एलिमेंटर का ना लिंक दे रहा हूँ, ये आप अपने पास इंटीग्रेट कर लो पहले। इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ आपको शेयर, एनी वन विद द लिंक, आप लोग इसको डाउनलोड कर पाओगे इसको। तो आपका जो एक बैच है एडीएम वाले ग्रुप में डाल दिया हमने, और एक हमने
10:30 to 12 वाले में डाल दिया, तो इसको डाउनलोड कर लीजिए पहले और फिर यूज़ कीजिए। तो देख रहे 2000 समथिंग के टेम्पलेट यहाँ पर जो है, आप चाहते हैं इनको डाउनलोड कर लो, लेकिन जब एलिमेंटर प्रो डाल दिया ना तो टेम्पलेट सारे डाउनलोड हो जाएंगे वहाँ पर ऑटोमेटिक, आपको कुछ कराने की जरूरत नहीं है। तो डीवी के बाद जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है एलिमेंटर, ठीक है। तो आपको दोनों में कंफर्टेबल होना है कि जैसा टास्क मिले ना नहीं होनी चाहिए, काम हो जाना चाहिए। और इसके बाद फिर हम आपका स्टार्ट करेंगे एसईओ के प्लगइन्स वाला पार्ट। तो दो क्लास एलिमेंटर के रखेंगे, यानी कि ये हफ्ता जाएगा हमारा, आज मंडे है, और उसके बाद नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना रैंक मैथ या AIEO SEO, या फिर आपका एक और टूल आता है SEO के अंदर, वो हम लोग ट्राई करके देखेंगे। तो उससे पहले लेकिन हम लोग एक बार ये देखेंगे कि ऑफलाइन वेबसाइट को ऑनलाइन कैसे लेकर आया जाए, साइट की होस्टिंग, क्योंकि SEO जो करेंगे वो लाइव करेंगे, ऑफलाइन नहीं करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफी। हम्म।